तंदूरी पनीर टिक्का को घर में बनाने की सोचो तो वो होटल वाला स्वाद तो आ नहीं पाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों पर तंदूर नहीं होता तो घर में कैसे बनाएं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बगैर तंदूर के आप दो क्विक ट्रिक से एकदम होटल स्टाइल स्मोकी फ्लेवर वाला यानी तंदूरी फ्लेवर वाला बिना तंदूर के पनीर टिक्का आसानी से बनाएंगे। साथ ही मैं आपको वो भी ट्रिक बताऊंगी आप अपनी पार्टी के लिए इसे पहले से कैसे तैयार करके रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। होटल स्टाइल तंदूरी पनीर टिक्का बगैर तंदूर बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच बेसन, बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट पनीर टिक्का का, यही देगा उसके मैरिनेशन को प्रॉपर बाइंडिंग, और जो होटल वाले भी यूज करते हैं। तो ये वाली जो चम्मच होती है उससे 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है, ज्यादा नहीं लेना, बस इतना ही। मीडियम फ्लेम पर जो भी बेसन लिया ना हमने 2 बड़े चम्मच उसको हम डाल देंगे और फटाफट से हल्का सा 2 मिनट लाइटली रोस्ट कर लेंगे, बस इतना कि कच्चापन निकल जाए, बढ़िया सी खुशबू आ जाए। आप यहाँ पर बेसन की जगह जो भुने चने का आटा होता है वो भी यूज कर सकते हैं। लीजिए, तो हमारा बेसन भी भुन गया, अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो बस गैस को ऑफ कर देंगे। चलिए, तो अब लेते हैं 1 बड़ा बोल और बोल में सबसे पहले जाएगा गाढ़ा दही यानी हंकड़। ये मैंने फ्रेश दही लिया है, अगर आपके पास हल्का सा खट्टा दही है तो और भी बढ़िया। तो इस चम्मच से 5 बड़े चम्मच मैंने दही लिया है, तो सारा दही गाढ़ा इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1/4 छोटी चम्मच डाल रही हूँ अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरह हाथ से क्रश करके डालें, बहुत बढ़िया फ्लेवर देती है ये पनीर टिक्का में। अब इसमें जाएगा 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लिया है। ये क्या होता है, थोड़ा सा माइल्ड होता है मिर्च में, लेकिन लाल जो कलर होता है ना वो बढ़िया निकल कर आता है। तो आप चाहे तो उसकी जगह देगी मिर्च भी ले सकते हैं, बाजार वाले तो भाई फूड कलर ऐड करते हैं तो वो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। अब इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, काला नमक इसमें जरूर डालिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसमें जाएगी 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। मैरिनेशन है वही एक असली चीज होती है जो आपके पनीर टिक्का को जबरदस्त टेस्टी बनाती है। अब हम बना रहे हैं आज इसे बिना तंदूर के, तो एक खास बात क्या होगी, जो पनीर होगा वो काफी सॉफ्ट और नरम रहेगा, और बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट हमारे पनीर टिक्का का कसूरी मेथी। तो लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब आप कसूरी मेथी लीजिए, हाथ से इस तरह क्रश करके डालिए, बहुत ही अच्छी लगती है ये। अब जाएगा इसमें 2 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन, जो भी हमने भून कर रखा था ना, बस उसको ऐड कर देंगे। और अब सबसे जरूरी चीज जो पनीर टिक्का में असली स्वाद जगाएगी वो है सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल। तो ये मैंने लगभग लिया है 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल, इसको ऐसे मत डालिए, एक बार बढ़िया से एकदम धुएंदार सरसों के तेल को गर्म कर लेंगे फिर डालेंगे। और ये लीजिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया हमारा मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया है, धुआं निकल रहा है, गैस को ऑफ करेंगे और गर्म गर्म ऑयल को डालेंगे मैरिनेशन में, हाथ से बिल्कुल नहीं छुएंगे। अब आप लीजिए एक स्पून और बढ़िया से सभी चीजों को कीजिए मिक्स। और ये लीजिए, मैंने बिल्कुल बढ़िया से सब चीजों को मिक्स कर लिया है, बहुत ही अच्छा कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से कलर आ गया है। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल करके भी कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। अब फाइनली इसको बढ़िया खटास देने के लिए मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच नींबू का रस, और नींबू का रस डालकर इसको बढ़िया से करेंगे मिक्स। लीजिए, है ना कितना सिंपल, आसानी से आपका होटल स्टाइल मैरिनेशन पनीर टिक्का के लिए है बिल्कुल तैयार। मैं इसमें साथ के साथ डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर यानी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिससे इसमें थोड़ा सा फ्रेश लुक आएगा। अब इसमें जाएगी प्याज, तो इस तरीके से पेटल्स की फॉर्म में मैंने इसको कट कर लिया है प्याज को, 1 बड़ी प्याज के करीब मैंने ली है। साथ ही इसमें जाएगी 1 मीडियम साइज की शिमला मिर्च, जिसको मैंने इस तरीके से क्वार्टर पीसेस में कट कर लिया है, ऐसे होते हैं ना पनीर टिक्का में। तो बस दोनों चीज डालकर अब मिक्स कर लीजिए। एक जरूरी पॉइंट, पनीर डालने से पहले आप एक बार थोड़ा सा टेस्ट करके देख ले कि खटास नमक सब कुछ सही है या नहीं, क्योंकि पनीर डालने के बाद फिर जब आप दोबारा कुछ और ऐड करेंगे तो पनीर बहुत नरम होता है ना, मिक्स करने पर टूट जाएगा, इसलिए पहले ही इसको टेस्ट करके चेक कर ले। ये मैंने लिया है 300 ग्राम फ्रेश पनीर इंडियन कॉटेज चीज, और इसको इस तरीके से क्यूब्स फॉर्म में कट कर ले, बहुत ज्यादा पतला नहीं, बिल्कुल ऐसा। और पनीर को भी हम अपने मैरिनेशन में डाल देंगे, हाथ से बिल्कुल लाइट हैंड इसे फोल्ड करेंगे यानी कोट करेंगे पनीर को, जिससे पनीर टूटे नहीं। तो हाथ से बढ़िया से कोट कर दे मसाले में पनीर, ये देख रहे हैं ना आप, एकदम बढ़िया दिख रहा है। और अब आपको इस मैरिनेशन को रखना होगा लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, थोड़ा रख देंगे तो जो मैरिनेशन है वो अंदर तक अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा, डायरेक्ट भी बना सकते हैं और अगर समय है तो 1 घंटे भी रखा जा सकता है। तो मैं फिलहाल 15 मिनट के लिए इसे रख रही हूँ फ्रिज में।
तो लीजिए, लगभग 15-20 मिनट हो गए हैं, हमारा जो पनीर टिक्का है बढ़िया से मैरिनेट हो गया है। बस अब बहुत ही इजी काम, अब आप लीजिए स्क्यूअर्स। इस तरीके के स्क्यूअर्स मिलते हैं किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर, आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब भाई पार्टी के लिए बना रहे हैं ना, तो ये यूज एंड थ्रो वाले बढ़िया रहते हैं। और इसमें खास बात क्या है, आसानी से आप पनीर और सारी वेजीज को लगा सकते हैं, बिल्कुल भी टूटेंगे भी नहीं। सबसे पहले स्क्यूअर लेकर के हम लगाएंगे वेजी यानी कि शिमला मिर्च। सारी चीजें पहले वो लगाइए जो पनीर को थोड़ा होल्ड करें यानी सपोर्ट दें। तो ये आप लीजिए एक शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च में इस तरीके से स्क्यूअर डाल करके सबसे पहले आ गई शिमला मिर्च। अब एक लगा दीजिए प्याज, रैंडमली आप कुछ भी इसमें अरेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब आप इस पर लगाइए हमारा, देखिए क्या बढ़िया लग रहा है, पनीर क्यूब बिल्कुल इस तरह से। अब आप में से बहुत से लोगों का सवाल होगा कि कभी कभी पनीर बहुत नरम होता है पारुल और लगाते वक्त टूट जाता है, अभी मैं वो ट्रिक भी आपको बताऊंगी फिर आप क्या करें। और इस तरह से बनाकर सब तैयार कर लीजिए पहले। अब बनाते हैं दूसरा, तो इसमें अप्लाई करेंगे ट्रिक। आप लीजिए 2 टुकड़े गाजर, थोड़ा कोई भी हार्ड वाली जो वेजिटेबल होती है, मूली भी ले सकते हैं, 1 गाजर का टुकड़ा लीजिए, स्क्यूअर में पहले फंसा लीजिए। तो इससे क्या होगा, जब आप पनीर लगाएंगे तो वो उसको सपोर्ट प्रॉपर मिल जाएगा, वो नीचे गिरेगा नहीं। ये लग गया। अब आप ले लीजिए इसमें 1 शिमला मिर्च, और आगे भी अब 1 गाजर के पीस से इसको फिक्स कर देंगे। अब बताइए कुछ हिलेगा ही नहीं, कितना भी घुमा लीजिए कुछ नहीं हिलेगा, क्योंकि प्रॉपर सपोर्ट मिल गया उसको। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इस तरह भी तैयार कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास स्क्यूअर नहीं है तो कैसे बनाएं? तो देखिए, जैसे अभी हमने ये मैरिनेट किए ना, तवे पर लगाइए हल्का सा बटर और इन सारे पीसेस को रोस्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप अरेंज करके प्लेट में सर्व कर सकते हैं, या फिर टूथपिक हो छोटे छोटे आप पनीर टिक्का स्क्यूअर्स तैयार कर सकते हैं टूथपिक से। और ये लीजिए मेरे सारे ही पनीर टिक्का स्क्वीट्स के साथ हैं, बिल्कुल रेडी लग रहे हैं ना, एकदम प्यारे, बिल्कुल होटल जैसे। अब आज हम इस रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी पनीर टिक्का को बनाने वाले हैं बिना तंदूर के, क्योंकि भाई तंदूर तो सबके घर में होता नहीं है, तो कैसे बनाएं? अब मैं आपको बताने वाली हूँ 2 तरीके। तो पहला है हमारा तवे वाला। आप लीजिए इस तरीके का ग्रिल पैन, कोई भी पैन आप ले सकते हैं, प्लेन पैन हो वो ले लीजिए, तवा हो आपके पास नॉनस्टिक तो उस पे भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर डालिए थोड़ा सा ऑयल, और अब मैं ले रही हूँ बटर। अब होटल वगैरह में तो बटर में ही बनाया जाता है, पनीर टिक्का है ना, लगना चाहिए ना बढ़िया, तो इसलिए मैंने दोनों चीज ली है जिससे कि बटर हमारा उड़े नहीं। तवा हो गया है हमारा गरम, अब आप अपने पनीर टिक्का स्क्यूअर्स उठाएं और उसको हम इस तरीके से पैन में लगा देंगे। फ्लेम को कर दीजिए लो मीडियम। तवे पर जब आप इस तरीके से पनीर टिक्का बनाएंगे तो उसकी खास बात यह है कि जो पनीर है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, रुई जैसा सॉफ्ट होगा। नीचे से अब इसको रोस्ट होने देंगे, इसी तरह से घुमा घुमा कर सब तरफ से गोल्डन सेकेंगे, और बस कुछ सेकंड्स बाद आप इस तरह से इसको पलट दीजिए। देखिए वाओ, मैं पास से आपको दिखा रही हूँ, आप इसका गोल्डन कलर देखिए। तो सभी को इस तरह से पलट देंगे। अभी जो आप ये स्टेज देख रहे हैं ना, देखिए बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं हुआ है, हल्का हल्का गोल्डन कलर आया है। तो इस तरीके से आप हल्का हल्का सेक लें, और सेक करके एक एयर टाइट बॉक्स में रख लीजिए, पार्टी के टाइम बस निकालिए और गरम कीजिए तवा, थोड़ा सा बटर स्प्रेड कीजिए और लाइट रोस्टेड टिक्का को वापस से गरम तवे पर सेक लीजिए। बहुत ही जल्दी मिनटों में आपका तंदूरी पनीर टिक्का तैयार हो जाएगा। तो ये है टिप स्टोर करने की पार्टी के लिए। और ये देखिए, आप देख सकते हैं सब तरफ से एकदम बढ़िया रोस्टेड गोल्डन कलर, कितना सुंदर रोस्टेड कलर आया है, और वो भी तवे पर बिना तंदूर के, बिल्कुल बढ़िया, सब तरफ से एकदम गोल्डन हो गए हैं। तो अपने टिक्का को हम उतार लेंगे। अब बताइए किसका मन नहीं करेगा इसको बनाने का, और खाने का तो करेगा ही, एकदम बढ़िया। अब मैं दिखाती हूँ आपको दूसरी ट्रिक। अब नेक्स्ट ट्रिक में हम डायरेक्ट बनाएंगे गैस पर, तो आप गैस को कीजिए ऑन, और गैस ऑन करके आप उठाइए अपना स्क्यूअर, कोई भी ले लीजिए, मेरे पास ये जो मैंने आपको दिखाया था ना गाजर फिट करके, तो देखिए हिल भी नहीं रहा, बिल्कुल परफेक्ट। और इस तरह से आप फायर के ऊपर धीरे धीरे रोटेट करते हुए सब तरफ से बढ़िया इसको रोस्ट कीजिए, बिल्कुल वही तंदूरी पनीर टिक्का बनेगा जो आप होटेल्स में खाते हैं, यकीन मानिए फ्रेंड्स, जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा। आप मुझे कमेंट में पक्का लिखेंगे कि पारुल पनीर टिक्का बहुत बढ़िया बना, और इसमें वो जो बर्न स्पॉट्स आते हैं ना, मतलब वो जो फायर के स्पॉट्स दिखते हैं जब आप होटल में खाते हैं, बिल्कुल वही वाले स्पॉट्स भी आएंगे और स्मोकी फ्लेवर भी। ये लीजिए सेकंड्स में ही हमारा तंदूरी पनीर टिक्का बिल्कुल है तैयार, बिना तंदूर के डायरेक्ट गैस पर, कितना सुंदर दिख रहा है। और ये जो गाजर देख रहे हैं ना, अब ये आप हटा सकते हैं, और इसी तरह से हम अपने सारे पनीर टिक्का स्क्यूअर्स को रोस्ट करेंगे गैस पर।
और अब जैसे मैं ये फायर पर रोस्ट कर रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ा सा मक्खन को पिघलाकर थोड़ा थोड़ा इस पर ऊपर से लगा दीजिए और फिर रोस्ट कीजिए, तो और भी ज्यादा मजेदार आपके पनीर टिक्का हो जाएंगे। और ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारा होटल स्टाइल तंदूरी पनीर टिक्का, बिना तंदूर के घर में एकदम आसानी से। लग रही है ना इसकी प्रेजेंटेशन एकदम देखने लायक। और हाँ, अभी जाइए मत, अभी इसमें जगाते हैं और भी ज्यादा स्मोकी फ्लेवर। उसके लिए आप क्या करें, ये मैंने लिया गरम कोयला यानी चारकोल, उसको गैस पर गरम कर लिया और बस कटोरी में इस तरह आप प्लेट में रखिए और इसके ऊपर डालिए एक चम्मच पिघला हुआ देसी घी और तुरंत से जो धुआं आप देख रहे हैं ना स्मोकी फ्लेवर, इसके ऊपर ढक दीजिए एक बड़ा बर्तन। लगभग 3 से 4 मिनट इसी तरह रहने दीजिए, पूरा वो तंदूरी वाला जो फ्लेवर होता है, स्मोकी जो फ्लेवर होता है, आपके पूरे पनीर टिक्का में समा जाएगा। और ये लीजिए, परफेक्ट बन गया आपका तंदूरी पनीर टिक्का, वो भी गैस पर इतनी आसानी से। और इसको अब आप हटा दें, लीजिए घर में ही तैयार है होटल जैसा तंदूरी पनीर टिक्का बिना तंदूर के। और ये देखिए, मैं आपको एक पनीर उठा के दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी अंदर से हार्ड नहीं है, ये देखिए है ना सॉफ्ट नरम एकदम जूसी हमारा पनीर है और ऊपर से प्रॉपर टिक्का सिका हुआ। और इस तरह सर्व करने के बाद आप ऊपर से डालें थोड़ा सा नींबू का रस और गया चाट मसाला, ऐसे ही देते हैं ना होटल में। और लीजिए, हमारी पार्टी वाली प्लेट है तैयार, ऐसी मिलती है ना पार्टी और शादियों में, एंजॉय करते हैं इस तंदूरी पनीर टिक्का स्टार्टर को। तो बस वैसे ही मैंने भी सर्व कर दिया है, आप भी जरूर बनाएं। अब इस पनीर टिक्का को जो खाएगा वही खाता रह जाएगा, सभी आपसे और मांगेंगे, साथ के साथ इतनी तारीफ आपको मिलेगी कि सभी कहेंगे कि आपने कैसे बनाया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा ये प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए वीडियो को और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी जरूर दीजिए। तो बस नई साल एंजॉय कीजिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और मुझे अपना प्यार देते रहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।